मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सूरज है और आज हम ताड़ासन का अभ्यास करने जा रहे हैं, जिसके बाद में मैं आपको दोस्तों लाभ भी बताऊंगा वह किन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर को लगभग एक दूसरे के पास में ही रखते हुए, समान स्तर में रखते हुए खड़े हो जाएं। अब धीरे से पूरे शरीर को बिल्कुल शिथिल कर लें, बिल्कुल शांत रिलैक्स सीधे खड़े हो जाएं। धीरे से दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठाएं। कोशिश करें आपकी बाहें भुजाएं कानों से टच हो जाएं और धीरे से सांस भरते हुए अपनी टोस के ऊपर यानी कि पंजों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। किसी भी एक पॉइंट पर लगातार टकटकी लगाए कंटिन्यूसली देखते जाएं और पाम्स को बाहर की ओर फैला लें। दोस्तों इस तरह हम ताड़ासन की स्थिति में आ गए हैं। कोशिश करें आप अपनी बैली को अंदर टक करके रखें और स्पाइन को अलाइन करके रखेंगे। अपनी क्षमता अनुसार ही इस आसन में रुकेंगे। कम से कम 10 से 15 सेकंड इस आसन में रुकने का प्रयास करें। अब धीरे से सांस को छोड़ते हुए वापस जमीन पर आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह हमने किया ताड़ासन का अभ्यास। अब मैं आपको उसके लाभ बताना चाहूँगा। दोस्तों इसके लाभ हैं कि यह बच्चों के लिए बेहद ही लाभकारी है। यह आपकी स्पाइन को बहुत ही अच्छे से स्ट्रेच करने में अत्यंत लाभकारी आसन है। यह आपके काफ व ग्लूट मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स को भी काफ़ी स्ट्रेंथ करता है। यह आपके शोल्डर व आर्म्स को भी स्ट्रेंथ करने में अत्यंत लाभकारी है। दोस्तों यह आसन किन लोगों को नहीं करना चाहिए? यह आसन एंकल से रिलेटेड जिन लोगों को इंजरी है उनको नहीं करना चाहिए। अगर किसी को नी में काफ़ी दिक्कत है तो उन लोगों को यह आसन अवॉइड करना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच।